2 करोड़ रुपए। क्यों बे पांडी, मिनिस्टर ने पैसे लेके काम नहीं किया तो हम क्या करेंगे? यार, काम पैसों के लिए नहीं किया जा रहा है। वो जगह 10 लोगों की नजर में है, और रही बात उस अनाथ आश्रम की, उसे खाली करवाना इतना आसान नहीं है। कॉरपोरेशन, एमएमडीए, मीडिया या विपक्ष के लोगों को पता चला ना, तो समझ लेना कि सारा काम तमाम हो गया। चल ठीक है, अब इतने पैसों में हम क्या करेंगे? इसमें से एक भी पैसा कम हुआ ना तो हमारी जान ले लेंगे। ठीक है, इन पैसों को अगर हम मार लें तो वो क्या करेगा? यार, ये डीएन का पैसा है, वो मामूली इंसान नहीं है, पता है ना? वो 10-12 खून कर चुका है, है? हमें उससे डर कर ही रहना होगा। हेलो, हाँ,
आ गया बेशर्म। पेपर रद्दी भंगार वाला, पुराने पेपर की जगह पैसे लो, सामान ले लो, अरे हलवा भी ले लो। अरे बाप रे, फ्लो में पुरानी बातें भी बोल डाली मैंने। हाँ, अब तो हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं। खाली बोतल जय हो जय हो, खाली बोतल जय हो जय हो, खाली बोतल जय हो जय हो, खाली डब्बा जय हो जय हो, खाली बोतल जय हो जय हो, खाली डब्बा जय हो जय हो, खाली बोतल जय हो जय हो, खाली डब्बा जय हो जय हो, खाली बोतल जय हो जय हो। बोतल देवा, हमेशा की तरह हमारी दुकान चलती रहे, ये बड़ी बड़ी वाइन शॉप चले ना चले, मगर उन्हें पीकर खाली बोतल जो लोग छोड़ जाते हैं उससे हमारा काम ऐसे ही चलता रहे। हमेशा की तरह आप पर निर्भर करता है कि हमारी दुकान ऐसे ही चलती रहे। बोतल देवा, सुबह ही सुबह। कंट्रोल कंट्रोल, मैं तेरा मजनू, तू मेरी लैला, दोनों मिलेंगे तो खूब होगी आशिकी। कितने बार भी इसको चप्पल से क्यों ना मारू, लार टपकाते हुए मेरे पीछे आ ही जाता है ये बेशर्म कहीं। रानी की इस महीने से 500 रुपए पगार बढ़ गई है। 500 रुपए बढ़ाने की छोड़, पहले पुराना हिसाब कर। छोड़ ना, एक साथ दे दूंगा, पहले काम सही से कर। मैं अपना काम सही से कर रही हूँ, तेरी नजर ही सही नहीं है। पहले जाकर आईने में शक्ल तो देख। दारू पीने के पैसे नहीं है, इसे पगार चाहिए, तुझे एक दिन महारानी बनाऊंगा। अरे मेरी रानी, मैं तेरा राजू, तू मेरी रानी, मैं तेरा राजू, तू मेरी रानी, अरे मैं तेरा राजू। अरे बाप रे, अभी तो सो रहा है, बाप रे मर गया। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? मैं चिल्ला रहा हूँ, अरे तू ही नींद में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा था। क्यों वे सुंदर, ये भी कोई सोने का टाइम है? ये नहीं कि सुबह सुबह जाकर भाई के लिए दारू लाकर थोड़ी सी खुशी दे दूं, कभी तेरे दिमाग में आया ये? भाई आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ भाई, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे प्लान चलते हैं। ध्यान से सुन, तमन्ना जैसी एक लड़की को देखते ही उससे प्यार करके, उससे शादी करके स्विट्जरलैंड जाकर हनीमून मनाना चाहिए। तुम इसके लिए पैसा चाहिए ना, इसलिए भले नोटों को जमा करके रखा है। भाई बदबू से दम घुटा जा रहा है। अच्छा, इसलिए रानी भी दूर हो गई थी। अरे यार, ये तो फिर से पास आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी भी अपने पैसे से दारू नहीं पीनी चाहिए, ये अपने पैसे को पूरी तरह से चोरी करने वाली बात होती है। अरे यार बदबू सहन नहीं हो रही है, सीधा बोल देते क्वार्टर लाना तो ले आता ना, उसके लिए मुंह में क्यों घुस रहे हो? ओए सुंदर, जा रहा है ना, ठीक है, तुझे गांव से लाकर काम दिलवाकर अपने साथ रहने की जगह क्यों दिया मैंने? पता है ना ये कि मैं तेरी हेल्प करूंगा इसलिए नहीं, बल्कि तू मुझे रोज दारू पिला सके इसलिए। दुनिया में सुबह सुबह उठकर सीधे काम पर जाने वाला ये पहला है, फिर से यहीं पर सोकर अगले दिन फिर से उठकर सीधे काम पर जाने वाला भी ये पहला है। मेरे साथी सुंदर, दिल से तू सोना है, मेरे साथी सुंदर, दिल से तू सोना है, मेरे साथी सुंदर, दिल से तू सोना है, मेरे साथी सुंदर, दिल से तू सोना है। हेलो, राजू भंगार स्पीकिंग। क्यों राजू बेटा, कैसे हो तुम? नमस्ते फादर, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? बहुत अच्छा हूँ। सुंदरराज कैसा है? वो तो मस्त है फादर, हमेशा की तरह उसे जगाया था, मुंह धोए बिना ऐसे ही सीधे काम पर चला गया वो। ठीक है, सुंदर के वापस आते ही उससे कहना मुझसे मिलकर जाए। ओके फादर, ठीक है फादर। ऐसे पी रहा है जैसे शरबत पी रहा। छी, मैं सुंदर, मैं एक पग मारता तो आमिर भाई, दो पग मारता तो नाना भाई, तीन पग मारता तो जल्लू भाई,
चार पैक मारता तो बादशाह भाई बन जाता। कुछ नहीं बचा यार। तुझे पता है मैंने तुझे पीना क्यों नहीं सिखाया? क्यों? क्योंकि तू एक पैक में ही पगले बादशाह भाई है। ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। सब पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। नमस्ते फादर। चाबी कहीं पर रख दी है मैंने, तुम जरा वेट करो, मैं लेकर आता हूं। ठीक है फादर। सुंदर, सुंदर। ब्लेस कीजिए फादर। गॉड ब्लेस यू सन। अरे सुंदर, मैं कितनी बार बोल चुका हूं तुम खुद को बदलते क्यों नहीं हो? रोज नहाकर, बालों में तेल लगाकर साफ सुथरे ड्रेस पहना करो। देखो बाकी लोग कैसे रहते हैं और तुम अपने आप को देखो। मुझ में ऐसी क्या कमी है फादर? शर्ट पहन रखी है, पैंट पहन रखी है, सही तो लग रहा हूँ। ये देखिए चप्पल ही पहन रखी है, देखिए। पैंट शर्ट पहनना ही सब कुछ नहीं है, पर तुझे बोलने से कोई फायदा नहीं। तुझे मैंने इस तरह से पाला पोसा है ये सोचकर मुझे ही दुख होता है। फादर लेकिन मैं आपका नाम खराब नहीं करूंगा। मेरे नाम की चिंता मत करो, ये बताओ इतने दिन थे कहाँ? यही था फादर, बाजू में आइस बेच रहा था। ये लो, तुम्हें जॉन का फ्लैट पता है ना? हाँ पता है फादर, वो जो रूबी अपार्टमेंट में जॉन सर रहते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? हाँ, 10B में जो रहते हैं ना। जी, बिल्कुल वही। वो वहाँ फैमिली के साथ रहते हैं ना फादर? वो सब तो अमेरिका चले गए हैं। जाने से पहले वहाँ की चाबी मेरे पास देकर प्लम्बिंग का और पेंटिंग का और ऐसे 2-3 काम कराने को भूल गए हैं। तुम्हें वो काम सफाई से करने होंगे। बिल्कुल साफ कर दूंगा फादर, काम करके आता हूँ। फादर पैसे? अरे सुंदर, तुम इस आश्रम के बारे में जानते हो ना? हमारे बिना कुछ कहे इस आश्रम के लिए कितना कुछ किया है उस जॉन ने। उसके पास जाकर इन छोटे कामों के पैसे मांगना ठीक नहीं। अब जाओ, जाकर काम करो। ये आपको छोटा काम लगता है फादर? देखो सुंदर, तुम्हें इस बिल्डिंग की हालत तो पता है। बारिश का मौसम आ रहा है, छत कमजोर होने की वजह से इस बिल्डिंग को अगर कुछ नुकसान पहुंचा तो मौके का फायदा उठाने वाले कई दुश्मन है यहाँ। दुश्मन कौन है फादर? अरे आज लोगों को किसी भी चीज से ज्यादा जमीन की चाहत होती है। इस जायदाद के लिए कई लोग कीट की तरह मंडरा रहे हैं। दूसरों की जायदाद पर कैसे कब्जा करते हैं ये तुम नहीं जानते। तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, ये बात तुम्हें कैसे समझाऊं समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो, ठीक है, तुम जाकर काम निपटाओ। ठीक है फादर, मैं बात मानूंगा आपकी, काम करने के बाद मिलता हूँ। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, ढंग से काम करना। थैंक यू। बाप रे बाप, इतना बड़ा घर, सिर्फ चढ़ने चढ़ने में ही आधा दिन निकल जाएगा यार।
घर के अंदर एक और घर। सुपर। मेरे आने की खबर अमेरिका तक पहुंच गई क्या? हेलो। हेलो, सुंदर बोल रहे हो? बोलिए सर। मैं अमेरिका से जॉन बोल रहा हूँ। जी सर। घर पर छोटा सा काम है। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें जहाँ पर काम करना है मैंने मार्क कर दिया है, वो सही कर देना और बाकी सब भी देख लेना। ठीक है सर, मैं देख लूंगा। तुम्हें किसी सामान की जरूरत हो तो पीछे हार्डवेयर की दुकान है। जी ठीक है सर, वहाँ मेरा नाम बोल कर ले आना। ओके। जी सर। कौन है तेरे दिल में? मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए जरूरी है, तेरे लिए नहीं। तो फिर उसके लिए क्या तुम सबके सामने मेरी इंसल्ट करते रहोगे? ये तुम्हें बेइज्जती लगती है तो तुम्हें उस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। आज के बाद मेरे दोस्तों के पास जाने की कोशिश की तो अपनी मौत की जिम्मेदार तू होगी। सोफी, प्लीज अंडरस्टैंड मी। भले ही तू मन में मुझसे बहुत नफरत करती हो, लेकिन इस जन्म में मेरे सिवा किसी और के साथ जीने की सपने में भी मत सोचना। ओके? रात को डिनर पे चलते हैं। मेरा प्रेजेंट किया हुआ ड्रेस पहन के आना। अरे ये तो हुई लिफ्ट वाली लड़की यार। मैडम मैडम मैडम, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? You have come for the maintenance work, right? Yes, I maintain, madam. Maintain the work. John ने मुझे ऑलरेडी बताया है मेंटेनेंस के लिए जो आदमी आएगा वो अकेले सब कर देगा। हाँ, वो सब काम मैं अकेले कर दूंगा मैडम। वाकई में अकेले कर दोगे क्या? हाँ मैडम, मैं सब कुछ अकेले कर दूंगा। तो फिर प्लम्बिंग पेंटिंग वर्क सब करोगे तुम? हाँ मैडम, प्लम्बिंग पेंटिंग इलेक्ट्रिक कारपेंटर वर्क सब काम आते है मुझे। सब काम अच्छे से करते हो ना? सब काम अच्छे से करता हूँ मैडम। लगता है बहुत काम देने वाली है। काम खत्म होने में कितने दिन लगेंगे? मैं अकेला हूँ ना मैडम, तो 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। और व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सुंदर मैडम। फुल नेम इज सुंदरलाल मैडम। नाइस नेम। थैंक यू मैडम। सुंदर जी, मेरे घर के वॉश बेसिन में वाटर लीकेज हो रहा है, उसे ठीक कर दोगे? हाँ ठीक है, कर दूंगा मैडम। ऑल राइट, देन कम होम। ओके मैडम। सोफी, फोन क्यों नहीं उठाया? काली, तुम यहाँ क्यों आए हो? गजा को पता चला तो मार डालेगा। मुझे उसकी चिंता नहीं है, तुम क्या कहती हो? काली, try to understand me. इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? ना आने की वजह क्या है? नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते, सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया। जरा नोट करो। हाँ हाँ बोलो। टर्बो 1, पीवीसी पाइप 2, हेक्सो ब्लेड 2, ब्रश 2, पेंट 2, फेविकॉल 1। हाँ, अरे इतनी भी क्या जल्दी है? क्या देख रहे हो यार, जल्दी जाना है, जॉन सर के घर जाना है। सोफी, तूने जो कहा वो सब मैंने किया। मैं समझ सकती हूँ काली, पर अब मेरे लाइफ में तुम नहीं हो। सोफी,
तेरी लाइफ में मैं नहीं हूँ, बोलो तेरे बिना मेरी लाइफ नहीं है। गजा के आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ, हम बाद में बात करेंगे, जाओ। वाटर समझी नहीं, ठीक करने के लिए बोलो ना। रिपेयर बाथरूम ऊपर है। कम जॉन के घर का काम खत्म हो गया क्या? हेलो तुम आओगे पता था, मगर इतनी जल्दी आओगे तो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं मेरे लिए काम ही ज्यादा जरूरी है मैडम, आपने बुलाया इसलिए चलाया मैडम। अंदर आओ। बेडरूम इतना बड़ा है तो बाथरूम कितना बड़ा होगा? कहाँ पर है? लीकेज कहाँ है? यहाँ नीचे। यहाँ से है, अभी ठीक करता हूँ। इतना क्या देख रहे हो, जल्दी काम शुरू करो। तुम लीकेज ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। जल्दी से कर यार। सही हो गया है मैडम। सही हो गया है, अब लीक नहीं होगा। तुमने इतनी जल्दी ठीक कर दिया सुंदर। हाँ मैडम, मैं मैडम जब काम करता हूँ तो पूरे मन से करता हूँ मैडम। कॉफी? हाँ कॉफी चलेगी मैडम। क्या मैडम कॉफी ठंडा है क्या? ये कोल्ड कॉफी है, पहले कभी पी नहीं है क्या तुमने? क्या मैडम आप भी ठंडा पिया है? ठंडा कॉफी पहली बार पी रहा हूँ। बाप रे कुछ सही नहीं लग रहा है। मैं मैडम ये आपने बनाई है क्या? हाँ। ये भगवान भगवान। ए सुंदर, सुंदर क्या हुआ? What happened? रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। क्या हुआ? Water. क्या सोफी,
डिनर के लिए अभी तक रेडी नहीं हुई। I was about to get ready. तुम्हें पता है सोफी, मिनिस्टर को देने वाले पैसे काली लेकर पांडी को मारकर भाग गया। पैसे रिकवर नहीं किए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पता है ये पैसा किसका है? मुझे क्या पता किसका है? डीएन का पैसा है। What? हाँ। ए, कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? मैंने ही बुलाया है गजा। पड़ोस के फ्लैट में प्लम्बिंग का काम कर रहा था। हमारे बाथरूम के वॉश बेसिन में लीकेज था। काम हो गया? हाँ, हो गया सर। ठीक है। सर, इतने छोटे से काम के रहने दो। क्या? नहीं चाहिए? फिर काम क्यों किया? बुलाया था इसलिए। ये बदबू कैसी आ रही है? तू नहाता नहीं है क्या? इस तरह बदबू आएगी तो कोई लड़की तेरे पास नहीं आएगी। मैंने जो पैसे दिए हैं उससे अच्छा साबुन खरीद कर नहा लेना। चल भाग। ठीक है सर। ए, एक बात बता, तेरा नाम क्या है? सुंदरलाल। सही नाम है। सोफी, गेट रेडी फॉर डिनर। सॉरी सोफी, सुबह तुम्हारे साथ थोड़ा वायलेंट हो गया था। मुझे इन सब की आदत हो चुकी है। एक्सक्यूज मी, वन सेकेंड। हाँ बोलिए सर। वो एक दिन का टाइम चाहिए। काले जहां कहीं होगा उसके हलक से पैसे निकालकर आप तक पहुंचा दूंगा। ओके सर। प्यार की बातें करे वो वनीला हो तुम, शाम की हवा की सिंड्रेला हो तुम। तुम्हारे पीछे तितली की तरह घूमती रहूं मैं, बबरों की तरह मेरे पीछे घूमते रहो तुम। बिना देखे बिना साथ रहे मैं नहीं रह सकता। पंछी आसमान से पार नहीं जाते, प्यार की जोड़ी है ये। बाहों में I'm not afraid to die।
ना तरसाओ, आ भी जाओ ना। चाहिए जब से तुम मुझे मिल गए हो, पंछी आसमान से पार नहीं जाते, प्यार की जोड़ी है ये। बाहों में साथ रहोगे ना मैडम? क्या मैडम, मैं बोले जा रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना? बोलो ना। सब समझ आ रहा है। हे हे, क्या कर रहा है? जानता है ये कौन सा एप्पल है? मेरे होने वाले प्यार को तू खा गया, सब खत्म हो गया। ओए सुंदर, क्या भाई से ऐसे बेइज्जती से बात कर रहा है? मैंने ऐसे बहुत सारे एप्पल खाए हैं। मुझे किसी एप्पल की जरूरत नहीं है, वो मेरे प्यार का खाया हुआ एप्पल था। ओए सुंदर, तू रो मत। देख सुंदर, ऐसे ही एक एप्पल से मेरी और तेरी एक भाभी की सेटिंग हो गई थी। तेरी तो यार पहले ही सेटिंग हो गई थी, लेकिन मेरी तो कहाँ कहाँ की सेटिंग बाकी है। क्या तेरी कहाँ कहाँ सेटिंग है? हाँ? मैं जो बोल रहा हूँ तो वो सुन। अब ना जाने क्या क्या बोल के पकाएगा। मैं 6 महीने पहले रूबी अपार्टमेंट में रद्दी लेने गया था। मैं पेंटिंग के लिए वहीं गया था। हाँ? बीच में मत बोल, तू अलग है मैं अलग हूँ। हाँ? उस अपार्टमेंट में लाल कलर की गाउन पहने एक लड़की थी। वो भी यार लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। जब मैं उसके घर गया तब पता चला क्या किया, फ्रिज में से एक एप्पल जूठा करके मुझे दिया। भाई ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। ओए तू सच कह रहा है क्या? क्या यार, मैं तुम्हारी कहानी थोड़ी सुन रहा हूँ। तेरी माँ की कसम, चल जाकर सो जा अब, गुड नाइट। हाँ, मेरी माँ की कसम। Thank you.
पंडित को मारकर पैसे लेकर भाग जाएगा सोचा था? ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसे मैं उगलवाता हूँ। क्या सोफी वहीं पर बैठी हो? सोफी तुम क्यों गुमसुम हो? उसने गलती की, मैंने उसे नहीं मारा तो कल डीएन उसे मार देगा। कचा, व्हाटएवर इट इज, बट आई कांट टेक इट एनीमोर, प्लीज स्टॉप इट। सोफी, सोफी, इसके लिए तुम, इसके लिए तुम ऐसा क्या फील कर रही हो? तुम्हें पसंद नहीं है तो बाहर जाके घूम के आ जाओ। हाथ हटा, हाथ हटा बे। ये कौन है? मैं नहीं जानता। नहीं जानता? तू नहीं जानता किस पर हाथ रखा है? धर्मनाथ के बेटे पर, समझे? ए, चल निकल। मैं एक ही सवाल 10 बार पूछूंगा। पहली बार पूछ रहा हूं, पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है? बोल। यार बिना बोले मैडम एकदम से आ गई। लगता है मैडम तुझ पे मर गई है सुंदर। मैडम। क्या सुंदर, एक ही दिन में बदल गए तुम। हाँ मैडम, अब जीने में मजा आने लगा। सुंदर, अंदर से किसी के मारने की आवाज आ रही है। Thank you.
क्या हुआ सुंदर? कुछ सोच रहा था लेकिन कैसे बोलूं? डर लग रहा है मैडम तुम्हारे पति के बारे में सोचकर। उसके साथ जो हुआ वो मेरे साथ तो नहीं होगा ना, और अगर कभी। तुम क्यों डर रहे हो? मेरे साथ जो रहता है वो मेरा हस्बैंड थोड़ी है। मैं एक बार गर्ल थी, 5 साल पहले मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आया और मुझसे ये कहा कि मैं इस फ्लैट में रह सकती हूँ, ऊपर से हर महीने का खर्च देता है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ना जो खुशी चाहिए वो नहीं दे पाता। मुझे क्या चाहिए कोई नहीं समझ पाता। मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं ना। इसकी चिंता आप मत करो, मैं हूं ना मैडम। सुंदर बोलो। सुंदर हाँ बोलो ना मैडम। तुम्हें लाइफ में कुछ करने को मन नहीं करता? अभी तो सिर्फ जान बचाने की इच्छा है मेरी। बिना एम के कैसे रह रहे हो? मैं लाइफ में क्या करूंगा मैडम, और मैं तुम्हारे जैसा सुंदर भी तो नहीं हूँ। आप देखिए ना, पढ़ा लिखा समझदार भी तो नहीं हूँ। सब लोग मुझे देखते ही अपने पास से भगा देते हैं। वो तो आप थी मैडम जो कि मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आई और मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बच गया। तुम मलेशिया गए हो? मैं तो चर्च के बाहर कभी जिंदगी में गया नहीं, अभी बाहर निकला हूँ। वो तो फादर ने मुझसे कहा था, इसीलिए काम करने आया हूँ मैडम। मेरी पसंदीदा जगह मलेशिया है, सुपर्ब लोकेशन। मैं अपनी जिंदगी में वहाँ जाकर सेटल होना चाहती हूँ। तुम चलोगे मेरे साथ? वाह मैडम, अच्छा मजाक कर लेती हो। मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? तुम साथ दोगे तो हम वहाँ चल सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास एक आइडिया है, तुम साथ दोगे तो हम मलेशिया जाकर सेटल हो सकते हैं। जी ठीक है, सही है मैडम। क्या हुआ मैडम, बहुत सैड नजर आ रहे हो। कल रात जो हुआ उसे मैं कभी भी भुला नहीं पाऊंगी। मैडम कैसे बोलूं, समझ नहीं आ रहा, मेरा भी मैडम फर्स्ट टाइम है। सुंदर आज तक इस तरह का इंसिडेंट किसी के भी लाइफ में नहीं हुआ होगा, और अब क्या होने वाला है? आई एम सो टायर्ड ऑफ ऑल दिस। क्या हुआ मैडम? गजा कल रात काली को मारकर खून से सना पैसे का बैग लेकर घर वापस आया। सोफी पागल, भास्कर पागल, काली को सलिया से एक ही बार में। तू जाकर जरा वो स्टेन रिमूवर ले आ। काली का क्या हुआ? अरे बोला ना, डीएन से पंगा लेगा तो क्या होगा, डीएन किसी को नहीं छोड़ता। उसने एक एक करके सारे नोट को साफ किया। फिर उन नोटों को दीवार पर चिपकाकर सुखाया और रात भर मशीन से नोटें गिनता रहा। अब मुझे क्या करना है मैडम? कहाँ मैडम? घर पे। कल डीएन घर पे आ रहा है और उसके बाद डीएन से पैसे लेने मिनिस्टर कालीचरण हमारे यहाँ आएंगे। डीएन के आने से पहले वो पैसे हमें कहीं और छुपाने होंगे, और ये तुम करोगे। मैं? ये मेरे घर की डुप्लीकेट की है। गजपति से यहाँ हर कोई डरता है, और वही गजपति डीएन से डरता है, डीएन के सामने बैठने से भी डरता है। इसके पहले डीएन
एक दो बार हमारे यहाँ आ चुका है। गजपति डीएन के लिए ताज पैलेस से ड्रिंक लेकर आता है और उसने एक बॉटल लाकर शेल्फ में रखी है। कल जब गजपति नहा रहा होगा। सोफी, ये आवाज कैसी? क्या सोफी, अब क्या तोड़ दिया तुमने? I'm sorry Gaja, पता नहीं कैसे it just slipped off. I'm really sorry. पागल हो गई है, डीएन के लिए लाकर रखी ड्रिंक की बोतल तोड़ दी। तुझे पता है ना वो इस ड्रिंक के अलावा कोई और ड्रिंक नहीं पीते। अरे वो तो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच जाएंगे। देख मैं तुम्हें एक घंटे का टाइम देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यही ब्रांड यहाँ चाहिए, मतलब चाहिए। और जब मैं बाहर जाऊँ तुम उसी वक्त अंदर आ जाना। पैसे लेने के बाद नीचे रखे पेपर के बंडल को उसमें रखकर तुम जल्दी वहां से निकल जाना। अच्छा सुंदर, अगर पैसे लेने के बाद तुम वो पैसे लेकर भाग गए तो मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? मैडम, इतना बड़ा प्लान बनाने के बाद मेरे लिए भी कुछ ना कुछ सोचा ही होगा ना। नादान मत बनो। इन 5 सालों में गजा ने भी कभी मेरी किसी भी बात को ना नहीं किया, और जब उसे पता चलेगा कि पैसे वहाँ नहीं है तो वो मुझ पर ही शक करेगा, और यही शक गजपति सिंह के लिए माइनस पॉइंट साबित होगा। पिछले 5 सालों से मैं उसके साथ रह रही हूँ, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। लेकिन इतने सालों में उसने मेरी किसी भी बात को नहीं काटा। I'm sorry गजा, डीएन चले गए क्या? Sorry मैं लेट हो गई। hey, क्या बकवास कर रही है? मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतनी जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। hey, पागल, अभी तक वो यहाँ नहीं आए। नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी भास्कर को कार में जाते हुए देखा, इसलिए पूछा आपसे। वो यहाँ आ ही नहीं सकता। क्या गजा, मैं भास्कर को नहीं पहचानती क्या? अभी लिफ्ट में आते वक्त मैंने उसे कार में जाते हुए देखा। वो यहाँ इस वक्त नहीं आ सकता। ओहो गजा, मैं भास्कर को नहीं जानते क्या? ड्रिंक की बोतल तोड़ दी, उसे लाते हुए मैं लेट हो गई, सॉरी कहने के लिए जैसी आवाज लगाई वो अनसुना करके चला गया। उसके यहाँ आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डीएन की फ्लाइट अब आने वाली है। इस समय वो कार लेकर एयरपोर्ट पर बैठा होगा। अगर वो यहाँ आया होता तो डीएन भी उसके साथ होता। मगर मैंने डीएन को नहीं देखा, सिर्फ भास्कर को देखा। और जब बैग में पैसे नहीं होंगे तो गजा ये सोचेगा कि भास्कर ने उसे धोखा दिया है। सुपर आइडिया मैडम। वो डीएन के पास और भास्कर के पास जाकर पैसे नहीं मांग सकता, उसके पास सिर्फ भागने का ऑप्शन बचेगा। सुपर मैडम। और अगर भाग गया तो
सब लोग यही समझेंगे कि गजा पैसा लेकर भाग गया। मैडम अगर तुमने जैसा बोला वैसा हो गया ना तो हम दोनों भी करोड़पति बन जाएंगे मैडम। गजा क्या हुआ? भास्कर ने चूना लगा दिया। मुझे चूना लगा कर चला गया। भास्कर उसने क्या किया? भेजे में भूसा भरा। जितना मैं उससे नफरत करता हूँ उससे ज्यादा नफरत वो मुझसे करता है। सही समय देखकर उसने बदला ले लिया। डीएनए यहाँ किस लिए आ रहा है? पैसों के लिए? पैसे हैं? नहीं है, नहीं है। डीएनए के सामने बिना पैसों के गया तो वो मुझे मार देगा। डीएनए के हाथों मैं मारा जाऊं यही वो चाहता है। अब क्या करेंगे गजा? भास्कर क्या चाहता है मैं जानता हूँ। वो चाहता है ये शहर छोड़कर मैं भाग जाऊं। अगर मैं यहाँ से चला गया तो सबको लगेगा कि ये सारे पैसे लेकर मैं भाग गया हूँ, समझे? मैं लेकर गया हूँ पैसे। उसके बाद वो 2 करोड़ रुपए उसके हो जाएंगे। डीएन को पिकअप करते समय मेरे बारे में सोच कर हंसता रहेगा। गजा प्लीज काम जाओ। आई एम गजपति BLLB। सोच गजा, तू उसे नहीं हार सकता। सोच कहाँ होगा पैसा? कहाँ होगा गजा प्लीज? सोच। अगर तुम मेरी मानो तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। नो गजा, कहीं नहीं जाने वाला। प्रॉब्लम को और मत बढ़ाओ, डीएन के आने से पहले भाग जाते हैं। सोचने दे पैसा कहाँ होगा। नहीं जा सकता। जस्ट प्लीज लीव मी अलोन, मुझे सोचने दे। जा। कहाँ होगा पैसा? हेलो सुंदर। हाँ मैडम। लगता है हमारा प्लान मिस हो गया। क्या हुआ मैडम? गजा पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। तुम तो जानती हो ना उसको कैसा है, कुछ भी बहाना बनाकर ले जाओ। वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला, भास्कर को मारने के लिए प्लान कर रहा है। मैंने उसे इतना समझाया लेकिन वो मान नहीं रहा है। मैडम आप मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलो ना। मैडम आप अपना बैग पैक करके निकलो। अगर उसने आपसे पूछा कि कहाँ जा रही हो तो बोल देना कि अगर कुछ भी होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो आपको जाने को बोलेगा। वहाँ से आप सीधी मेरे पास चली आना और यहाँ से हम कहीं और भाग जाएं। सफी, मैं भास्कर से पैसे लेकर आता हूँ। यस, पैसे लाने होंगे। द मनी इज गॉन। नहीं नहीं, पैसे पक्का भास्कर के पास ही है। आई नो, आई विल गेट इट बैक। तुम्हें कैसे पता कि भास्कर इस वक्त कहाँ होगा? बिना जाने तुम कहां ढूंढते फिरोगे भास्कर को? चेक योर टाइम। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज नॉट इनफ टाइम। अब वो पैसे लेकर कहीं नहीं जा सकता क्योंकि डीएन को पिकअप करने का टाइम हो गया है। पैसा उसकी गाड़ी में ही होगा। अच्छा, कार में बैठे समय उसने तुम्हें देखा? नहीं देखा। ओके, दैट्स गुड। नहीं देखा ना? मतलब पैसे गायब होने वाली बात मुझे पता है, ये उसे नहीं पता है। और इसीलिए बैग में पैसों की जगह पेपर रख दिया, क्योंकि डीएन को जब मैं बैग दूंगा तो वो मेरे सामने बैग खोलकर देखेगा, पैसे ना होने पर टेंशन में आकर मुझे मार देगा। यही उसका प्लान है। ऐसा नहीं होगा भास्कर, तू एक साधारण गुंडा होकर इतना कर सकता है, मैं तो एडवोकेट हूं। तुम्हें समझाकर कोई फायदा नहीं। तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है, वो तुम्हारा मैटर है, लेकिन मुझे है। लिसन, मैं इससे ज्यादा तुम्हारा और साथ नहीं दे सकती। प्लीज लीव मी अलोन गजा। सोफी, इस वक्त तुम कहां जा रही हो? ऐसे वक्त में मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। भास्कर को यहां पर सिर्फ तुमने ही देखा है। प्लीज, आई नीड योर हेल्प। गजा, इन 5 सालों में मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, इसके बाद भी इस वक्त इस सिचुएशन में मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकती। अगर तू यहां से गई तो भास्कर की तरह तू भी मेरी दुश्मन बन जाएगी। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूं।
तुझे इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला। बोतल हाथ से गलती से गिर गई, मैं कैसे मान लूं? तू भी तू बोतल तोड़कर उसे जानबूझकर बुला सकती हो? तेरे और उसके बीच में संबंध है, मुझे बहुत दिनों से शक था, लेकिन तुझे बहाने से बाहर जाते हुए देखकर मेरा वो शक यकीन में बदल गया। सोफी, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन कुछ भी हो तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी। आइए सर। और रजा कैसे हो? आपका आशीर्वाद है। अच्छा हूँ सर। वेलकम सर। तुम कैसी हो? आई एम फाइन। गुड गुड। आइए। हाँ हाँ हाँ। गजा, मैं भी लड़ने नहीं आया तुझसे। सोफी, इस ड्रेस में तुम बहुत मस्त लग रही हो। मैं कल यूएस जा रहा हूँ, वापसी में एक वीक लग जाएगा मुझे। क्या लेंगे सर? तुम्हें तो पता ही है मेरा ब्रांड क्या है। गजा, भास्कर को देखा क्या? कैसा नाटक कर रहा है। अरे क्या बात है, घर में ही बार खोल रखा है। ऐसा कुछ नहीं है सर। है? पैक एकदम सही बना है, पुराना काम भूला नहीं है अभी तक। लगता है पुरानी बात भूला नहीं है। सोफी, फॉर मी। या। इनफ। ये लो। या, थैंक यू। इट्स ओके। चलो। गजपति, तेरे और इसके बीच में क्या पंगा है? तू जानता है ये मेरा बेटा है, मेरे बाद यही सब कुछ तो है, तुझे पता है। क्यों गजा, तू क्या समझता मैं उसके लायक नहीं हूं क्या? तेरे मन में और कुछ हो तो सुन ले बे, तू उसे अपने मन से निकाल ले। ऐसा कुछ नहीं है मालिक। तो फिर क्यों आपस में लड़ते हो? कभी कभी इसका बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आता, उसके अलावा हमारे बीच और कोई बात नहीं है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। सुन लिया ना, हमारे साथ रहने वाले हमेशा हमें इज्जत दे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कभी कभार हमें भी उनके हिसाब से चलना चाहिए जैसा कहें। बेवकूफ। गजपति, जो भी है तेरे मन में सीधे मुझसे बोलना, इसको भी ऐसे ही समझना जैसे तू मुझे समझता है। और वो मिनिस्टर कालीचरण से बात हुई थी, वो लैंड मैटर करने को बोला है, तेरे बारे में पूछ रहे थे। तुम तो उनके काफी क्लोज हो ना, तो जल्दी से निपटा देना। कर दूंगा। और हाँ, काली लेकर गया था वो 2 करोड़ रुपए, लेकर आ, बैलेंस 8 करोड़ के साथ उसे दे देते हैं। गजा, काली जैसे तेरे पास कितने आदमी हैं ये बता। उस दिन मैं उन सबको पकड़ कर नहीं लाया होता तो वो 2 करोड़ चले गए होते। ओ, तू ऐसे खेल खेल रहा है, अब मैं कैसे खेलता हूं देख। बैग खोल। क्या कह रहा है? की तो दे। तुझे की की क्या जरूरत है? मुझे जादू दिखाने वाला समझा है क्या? पैसे कहाँ हैं? ए, वो तुझे ही पता होगा मालिक, मुझे फंसाने के लिए ये सारा प्लान इसी ने बनाया हुआ है। क्या बकवास है ये? सोफी, बता दे सब कुछ। भास्कर, सब कुछ बता दो तुम। ए, क्या दोनों नाटक कर रहे हो तुम? कहाँ है पैसा? सुनो। नहीं नहीं गजपति, ये सही नहीं है। गनी चेक कर,
नीचे गर्गन, मुझे मारेगा तू? मुझे मारेगा तू? मैं डीएन हूँ, धर्मनाथ हूँ मैं, मारेगा मुझे तू? देख 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 तेरे हाथ कांप रहे हैं, गन दे, दे दे गन, तू मुझे नहीं मार सकता, मैं तेरे बाप जैसा हूँ, बाप जैसा हूँ, दे। छोड़, धर्मनाथ को मारेगा तू? धर्मनाथ को? ए गजा, मत मार, मत मार, गलती कर रहा है। तू क्या जानता है गजपति के बारे में? अपनी मौत का ही नहीं, अपने पाप की मौत की भी वजह तू ही है। अब कौन है तेरा बॉस, बोल। गजा, अब क्या करोगे? पैसे लेकर आऊंगा, मैं भास्कर होता तो पैसे कहां रखता? कार में रखता। यस, कार में रखता। पुलिस। गजा, मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब देखो पुलिस भी आ गई। तुमने कैसे मारा डीएन को? अब क्या करोगे? उन्हें कैसे पता चलेगा कि डीएन को मैंने मारा? उसकी जान के पीछे तो कई लोग पड़े हुए। सुनो, पुलिस आए तो तुम इसे संभाल लेना, तब तक मैं ये सब क्लीन करता हूँ। ओके। कितना माला है? दसवां माला। कौन है? पुलिस। पुलिस इस वक्त? क्या काम है? दरवाजा खोलो, नहीं तो तोड़ना पड़ेगा। या मैं कल बात करती हूँ। टीवी देख रहा है? या हाँ, नो प्रॉब्लम, एक मिनट। हाँ एक मिनट। हाँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाद में बात करती हूँ मैं। ओके प्लीज फोन कट करो। या इतनी तेज आवाज क्यों है? ओहो, वो टीवी पर फिल्म चल रही है सर। हमें यहाँ पर अभी अभी गोली चलने की खबर मिली है, बस उसी के बारे में पूछताछ करने आए। वो मेरे हस्बैंड को कम सुनाई देता है इसलिए। ओ, अच्छा जी। अच्छा, सर, सर, सर आप हो सर यहाँ पर? गन शूट सर, गन शूट की कंप्लेंट आई है यहाँ से। कंप्लेंट सर? कंप्लेंट? बस उसी के बारे में पता करने आए हैं यहाँ पर। सर इस तरह से तो बहुत बार यहाँ पर क्या है ना, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा तेज करने से आसपास के लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं। कोई बात नहीं सर, क्या करे सर। सॉरी आपको परेशानी। कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। टीवी के लिए भी कोई कंप्लेंट करता है? ऊपर क्यों आई? व्हाट कैन आई डू? सर मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं, ऊपर है, ऊपर। कोई बात नहीं सर, मैं नीचे का बाथरूम यूज कर लेता हूँ। ये बाथरूम ही है ना सर? हाँ सर।
सर ये तंजौर की पेंटिंग है ना? ये पेंटिंग तंजौर की है ना? हाँ सर। इसे कहाँ से खरीदा? यहाँ की सारी पेंटिंग्स मेरी वाइफ ने बनाई है। सुपर पेंटिंग बनाई है। थैंक यू सर। मैंने आपको देखा है, आपको कोर्ट में केस लड़ते हुए देखा है। क्या लड़ते हो सर? थैंक्स। चले क्या? हाँ सर चलिए चलते हैं। सर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कोई बात नहीं। दो करोड़ तलाश रहे थे, इसे मिलाकर टोटल 10 करोड़। वो 2 करोड़ भी भास्कर की कार में होंगे। चल। पैसे कार में नहीं है, उसके घर पर होंगे। चल। नमस्कार साहब। यार क्या क्या हो गया यार, टॉयलेट जाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। हमारे पास घर पे 8 करोड़ रुपए है ना? टाइम वेस्ट मत करो, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। गजा हेलो हेलो भास्कर। हेलो। क्यों वकील, तू वहाँ भास्कर घर क्या कर रहा है? डीएन को पिकअप करने के लिए भास्कर को लेने आया हूँ और वो नहा रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने फोन उठाया। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम डीएन को पिकअप करके सीधे अपने घर पे मिलना, मैं 1 घंटे में आता हूँ। ओके सर। बाय। मिनिस्टर। हाँ मैं समझ गई, मुझे पता था यही होगा। छोड़ो गजा, मैंने पहले ही कहा था ना, हद से ज्यादा लालच का यही अंजाम होता है। अब तुम हो कि पता नहीं और क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। मिनिस्टर कालीचरण आ रहे, अब क्या करेंगे हम लोग? पैसे कार में नहीं है, घर में नहीं है, कहाँ होंगे? तू रस्सी लेकर आ। किस लिए? जैसा बोला वैसा करो, जा।
सोफी। पैसे कहाँ हैं? रुक। बोल बोल, पैसे कहाँ हैं? तेरे अलावा वो पैसे और कोई नहीं उठा सकता। बोल, पैसे कहाँ हैं? बोल। गजा, पागल हो गया हो क्या? मैं तुम्हारे साथ ही थी, मुझे कैसे पता होगा? उसे बचाना होगा। गजा, जब 2 करोड़ गायब हुए तब तो तेरे ऊपर शक नहीं किया मैंने, लेकिन ये पैसे तेरे मेरे अलावा और कोई नहीं ले जा सकता। बोल, कहाँ है पैसे? कौन है तू? तू है? पूरा इंसान ही बदल गया इन 5 सालों में। मैं पुराना और ये नया है ना? गुड कॉम्बिनेशन। बेवकूफ गजा, सबसे बड़ा बेवकूफ। जब पहली बार देखा था तभी समझ जाना चाहिए था, गलती हो गई। और अब तूने गलती कर दी, नहीं समझा? यहां आकर फंस गया तू, मैं तुझसे कह रहा हूं। इसने अपनी लाइफ में कभी 10,000 रुपए नहीं देखे होंगे। देखकर रोड का भिखारी भी 10 कदम दूर हो जाएगा। इसके साथ भी तू कैसे? बोल, ऐसा उसके पास क्या है जो मैं तुझे नहीं दे पाया? हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब बातें भी तुम्हें मुझसे ही जानना है? ये बात तुम्हें पहले सोच लेनी चाहिए थी। करेक्ट, पहले सोचना चाहिए था। कुत्ते को चाहे कितनी बार ही नहलाकर घर में रखो, फिर भी वो तुम हिलाकर। अरे देख, 5 साल पहले कैसी थी तू, जरा सोच कर देख। ये घर, कार, खाना, ये जो पहना है वो ड्रेस, ये सब किसने दिया तुझे? तुम ही बार बार बोलते हो ना, गजपति सिंह BA LLB। गजपति सिंह BA LLB, तुमने कौन से केसेस जीत कर ये पैसे कमाए हैं? तुम एक गुंडे हो। वो सब जो बाथरूम में पड़े हैं वो सभी एक से एक गुंडे हैं। उनके सामने मेरी नुमाइश करके तुम इस बिजनेस में डॉन बनना चाहते थे ना? बोल बोल, पैसा कहाँ? बोल। चल रे, तू बता कहाँ रखा है पैसा? अगर नहीं बताया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बोल। जब तक नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी जान रहेगी। तू ऐसे नहीं बोलेगा, तू ऐसे नहीं बोलेगा। सर 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 सर, बताता हूँ सर, सर बता, रुके मैं बताता हूँ। बोल। छोड़िए, आप उसे छोड़िए प्लीज, बताता हूँ मैं। हाँ आइए, बताता हूँ सर मैं आपको। जिस फ्लैट में मैं काम करता हूँ ना, वहीं पर है। ओए, उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा वो कहती हैं। मगर तू सिर्फ 5 मिनट में उसके लिए इतने सारे पैसे मुझे लौटा रहा है? उसे इतना प्यार करता है? हाँ सर। उसके लिए कुछ भी करेगा? कुछ भी करूँगा सर। तो फिर जान दे दे,
दे जान। पैसे घर पे रखे, उसने बोल दिया और तुमने मान लिया। ये सच कह रहा है, तूने मान कैसे लिया? सच क्या है अभी पता चल जाएगा। चल कोई भी गलती की ना कहां चले गए सब? बिल्कुल आवाज नहीं। आइए सर। क्या बात है, सब लोग कहाँ हैं? डीएन को फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहा। उसके बेटे को फोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा है। तेरे घर ये कॉलिंग बेल बजाई, कोई दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने सोचा क्या करूं, तभी याद आया ये पुराना काम, इसे मैंने बड़े ताले खोले। ये तो छोटा दरवाजा था। मैंने भी दोनों को फोन किया था, उठाया ही नहीं। नहाकर फोन करूंगा सोच रहा था, तब तक आप आ गए। डीएन को जरा शांत रहने को बोल। तुम जैसा सोच रहे हो वो जगह इतनी जल्दी खाली नहीं करा सकते। वो सरकारी जगह है, लेकिन कई सालों से वहाँ जनता रह रही है। वहाँ आंधी बारिश तूफान और भूकंप आने पर उस बिल्डिंग के जब 10-15 लोग मर जाएंगे तब सीबीआई कोर्ट में जाएगी, और उसी समय हमें कुछ करना होगा। अभी करना ठीक नहीं है। मिनिस्टर की पोस्ट सुबह है, शाम को है या नहीं पता नहीं रहता। सुबह न्यूज़पेपर देखकर पता करना पड़ता है। तब तक डीएन को शांत रहने को बोल, समझा? अच्छा, पैसे तैयार है ना? वो सर, ये पैसे इसका जवाब नहीं। सब पैसे की माया है, सबका सपना मनी में नहीं, मनी है तो हनी है। अरे भाई इसकी चाबी तो दो। वो क्या है? चाबी मांग रहा हूँ, जान नहीं। रहने दे, है ना मेरे पास, इससे बड़े बड़े ताले खोले मैंने। हेलो, तेरा फोन बज रहा है। अरे तेरा फोन बज रहा है, मैं आके उठाऊं क्या? उठा। है मनी है तो हनी है, हाँ मनी है तो हनी है, मनी मनी। हेलो, सुनो, मैं डीएन बोल रहा हूँ। डीएन? डीएन समझकर ही बात करो, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। उन पैसों को हम 50-50 कर लेंगे, अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मैं बाहर आकर कालीचरण से सब कुछ बोल दूंगी। अब बोलो। ओके डीएन, जैसे आप कहें। फोन बिल्कुल भी कट करने की कोशिश मत करना, मैं बाहर आकर कालीचरण से बात करूंगी, तब तुम फोन काटना, समझ गए? आई एम कमिंग आउट। ओके, हाँ जी, मंत्री यहीं पर हैं, उन्हें बोल दूंगा मैं। हेलो मंत्री जी, कैसे हैं आप? अरे सोफिया, माय ब्यूटी क्वीन, कहाँ थी इतनी देर तक? सर, ड्रेस चेंज करके आता हूँ। कोई जल्दी नहीं है, जाओ। दोनों लोग एक ही बाथरूम में नहाते हो, सही है, कोई बात नहीं। इस उम्र में एंजॉय नहीं किया तो कब करोगे? मैं भी जवानी में किया करता था, पर अब तो वो दिन ही चले गए। ए सुफिया, मैंने कितनी बार तुम्हें घर पे डिनर पे बुलाया लेकिन तुम आई ही नहीं। लेकिन सर आपके पास टाइम कहाँ होता है?
पार्टी, जनसभा, जनता से मिलना, मीटिंग, सुबह चाय पीते समय टीवी देखकर पता करना पड़ता है कि मिनिस्टर की पोस्ट है भी कि नहीं। जी। अरे किसी का कोई भरोसा नहीं, कौन कब क्या कर दे, राजनीति है। और तुम तो वैसे भी समझदार हो। डीएन की फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई है, बस 2 घंटे में आ जाएंगे। 2 घंटे? अरे मैं पहले से ही लेट हो चुका हूँ। वकील, ये बैग मैं लेके जा रहा हूँ, डीएन आए तो बाकी लेके आने को बोलना। और हाँ, सोभी को भी डिनर पे लेके आना मेरे पास। ठीक है सर। ए सिक्योरिटी, ये पर्स और मेरा मोबाइल है, लेके आ। दोनों साथ में नहाते हो? फाइन। हट, हट। जस्ट काम डाउन गजा, जस्ट रिलैक्स। सोफी, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच। तुझे तुम मैं मेरे साथ डील करोगी गजपति के साथ? अब पता चलेगा अब गजपति कौन है, देखना। चल। Sophie! Look! Look, Jaya! फोन कर रहा, हम फोन करो तो उठाता नहीं है, चलो हम उठाते हैं। हाँ डीएन बोलिए। सर, मैं डीएन नहीं, सोफी बोल रही हूँ। सोफी? डीएन के फोन से तुम फोन कर रही हो, उसका मोबाइल मिला कहाँ? वो सब बातें मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप बैग खोल कर देखिए, उसमें पैसे नहीं है, प्लीज पहले चेक कीजिए। क्या कह रही हो? गजा ने भास्कर डीएन को मार दिया। अच्छा, मेरा यकीन कीजिए, अब मुझे मारने के लिए आ रहा है। सर सुनो, तुम वहां से कैसे भी निकल जाओ, मेरे लिए पैसे वैसे जरूरी नहीं है। अगर इसमें मेरा नाम आया तो मेरी इज्जत और पद दोनों मिट्टी में मिल जाएगा। तुम कुछ भी करके वहां से निकलो। ओके सर, ओके। सुंदर, सुंदर, सुंदर उठो। हा? मैंने कभी सोचा नहीं था वो 8 करोड़ रुपए तुमने लिए होंगे। अच्छा, वो पैसे कहाँ हैं? कैसा लगा मैडम? सुपर्ब सुंदर। तुम्हारे लिए किया मैडम। थैंक्स सुंदर। मजाक मत करो मैडम। hey! लेकिन मैडम, आपने मुझसे कहा था कि पैसे मिलते ही हम दोनों देश के बाहर चले जाएंगे। hey! हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं। लेकिन आप तो मुझसे लव करते हो ना मैडम। लव? वो भी तुम्हारे साथ? शिट! मैंने पैसों के लिए कितनों से नाटक किया। लव जैसे शब्द से मुझे नफरत है। अब देखो ना, इन पैसों के खातिर मुझे तुम जैसे से प्यार का नाटक करना पड़ा।
इस दुनिया की सारे मर्द ना मेरे दुश्मन है, मेरा बाप भी ना मेरा दुश्मन है। 500,000 रुपए कमाने वाली मुझ जैसी को एक दिन ये गजपति सिंह मिला। मुझे तो ऐसा लगा था कि उसके साथ रहूंगी तो मुझे ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी, लेकिन उसने भी मेरा इस्तेमाल किया बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए। छी, सारे के सारे मर्द एक जैसे होते, सैडिस। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही हुआ। वो डीएन और उसका बेटा 8 करोड़ रुपए लेके यहाँ पर आ गए। गजा और उनमें गलत फहमी हुई तो दोनों गजा के हाथों मारे गए। अब उन पैसों को लेकर मैं यहाँ से कैसे निकलू वही सोच रही थी, तो तुमने उस काम को मेरे लिए आसान कर दिया। थैंक्स सुंदर। मैडम 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 सुनो मेरी बात, सुनो मैडम 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 उठो मैडम। टूट के बिखर गए आज वो सारे मोती जिन्हें पिरोए थे हम, गोते लगा लगा के पूछूंगा मैं अब खुदा से आखिर क्या मेरी खता। अंडरवर्ल्ड सरगना की हत्या। कई सालों से मुंबई पर राज करने वाले डीएन उर्फ धर्मनाथ और उसके 4 साथियों को मार गिराया। सुनो क्या हुआ? अच्छी तरह देख लिया सर, बैग में पैसे नहीं मिले। 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ थे उसमें।